चलो दोस्त, आज हम देख रहे हैं एक नया टॉपिक, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग, या अपन बोल सकते हैं मुर्गी पालन का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन या इसी को बोला जाता है कुक्कुट पालन। तो मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो मुर्गी पालन के अंदर सिर्फ मुर्गी का पालन नहीं होता, मुर्गी पालन के अंदर उन समस्त पक्षियों का पालन होता है जिनको हम अंडा और मांस के लिए पालते हैं। मतलब सारे पक्षी जिनका उपयोग अंडे और मांस के लिए पाला जाता है वो सब के सब किसके अंदर आएंगे? मुर्गी पालन के अंदर। मतलब मुर्गी पालन के अंदर मुर्गी के साथ साथ बतख, बटेर, तीतक, इमो, हंस, शुतुरमुर्ग, ये सभी पक्षियों को हम अंदर रखेंगे मुर्गी पालन। लेकिन जब बात आएगी अध्ययन या स्टडी की, तो अध्ययन या स्टडी की अगर हम बात करें तो मुर्गी का अध्ययन या स्टडी जिस विज्ञान के अंदर होती है उसको बोला जाता है मुर्गी विज्ञान या पोल्ट्री साइंस। और मुर्गी को छोड़कर बाकी सभी पक्षियों की स्टडी या अध्ययन जिसके अंदर होता है उसको बोला जाता है पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। तो अगर हम बात करें पालन की तो पालन सबका एक ही के अंदर होता है, मुर्गी पालन के, लेकिन अध्ययन सबका अलग अलग है। मुर्गी का अध्ययन मुर्गी विज्ञान में और अन्य पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। मतलब हम बोल सकते हैं कि मुर्गी का घर सिर्फ मुर्गी का घर नहीं है, उन समस्त पक्षियों का घर है जिनको हम अंडा और मांस के लिए पालते हैं। ठीक है, तो घर सबका एक है मुर्गी पालन, लेकिन पढ़ाई अलग अलग। ठीक, मुर्गी की पढ़ाई पोल्ट्री साइंस में और अन्य बर्ड्स की पढ़ाई ऑर्निथोलॉजी। अब मुर्गी पालन में अगर देखें तो इस मुर्गी पालन को भारत के अंदर सुचारू रूप से या सिस्टमेटिक तरीके से चालू किया क्रिश्चियन मिशनरी ने, और इन्होंने चालू किया 20वीं सदी में। और इसी का नतीजा है कि आज अगर हम देखें तो इंडिया मुर्गी की संख्या में या पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री में अगर हम बात करें तो 5वीं पोजीशन पर है, और अंडा उत्पादन में देखें तो भारत का स्थान 3रा है विश्व में, 5वें नंबर पर संख्या में और 3रे नंबर पर अंडा उत्पादन। दोनों ही चीजों में अगर आप बात करें, मुर्गी की संख्या और अंडा उत्पादन, तो इसमें चाइना टॉप पर, मतलब सबसे पहले पोजीशन पर चाइना है। ठीक है, और भारत संख्या में 5वां और अंडा उत्पादन में 3रा है। भारत के अंदर देखें तो तमिलनाडु इन दोनों ही चीजों में टॉप पर और आंध्र प्रदेश 2रे नंबर। भारत के अंदर ही अगर देखें तो अंडों की उपलब्धता अगर हम देखें तो 79, मतलब 79 अंडे एक आदमी को साल भर में मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आवश्यकता देखें तो आवश्यकता 180 अंडे है साल भर, मतलब एक आदमी को साल भर में 180 अंडे खाना चाहिए लेकिन उसको मिल रहे हैं फिलहाल में 79। 180 साल भर में खाना चाहिए, इस हिसाब से देखें तो एक दिन में कितना खाना चाहिए? आधा अंडा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में आधा या फिर एक अंडा खाना चाहिए, और इस प्रकार देखें तो साल भर में उसको कम से कम 180 अंडे खाना चाहिए। फिर आगे चले, मुर्गी पालन में तीन इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है लेयर फार्म, एक होता है ब्रॉयलर फार्म और एक होता है हेचरी फार्म। लेयर फार्म देखें तो लेयर फार्म पर काम होता है अंडा उत्पादन या एक प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जिस फार्म पर अंडों का उत्पादन होता है उस फार्म को बोला जाता है लेयर फार्म। अंडों का उत्पादन मुर्गी से होगा और जिस मुर्गी या पोल्ट्री का उपयोग अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है लेयर। तो लेयर है एक अंडा उत्पादक मुर्गी, और लेयर का अंडा उत्पादन शुरू होता है 6 माह की उम्र पर या 20 से 24 सप्ताह। मतलब मुर्गी पहला अंडा लगभग 6 माह की उम्र पर देती है। ठीक, तो जो मुर्गी अंडा देती है उसको बोला जाता है लेयर, और जहां पर इस लेयर को पाला जाता है उसको बोला जाता है लेयर फार्म। फिर दूसरा फार्म है हमारे पास में ब्रॉयलर, और ब्रॉयलर फार्म पर काम होता है मांस उत्पादन। ठीक है, और जो मुर्गी मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है उसको बोला जाता है ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर देखें तो एक तरह से मांस उत्पादक मुर्गी। ठीक, और ब्रॉयलर को मांस उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है 2 माह की उम्र पर या 8 से 10 सप्ताह। मतलब इस उम्र पर इस ब्रॉयलर को हमको बाजार में बेच देना चाहिए, अगर इस उम्र पर इसको बाजार में नहीं बेचा तो इसकी मांस की क्वालिटी खराब हो जाएगी। फिर अगला हेचरी फार्म, और हेचरी फार्म पर काम होता है हेचिंग का। हेचिंग का मतलब है अंडे से चूजा प्राप्त करना, अंडे से चूजा प्राप्त करने की क्रिया को बोला जाता है हेचिंग, कि इस अंडे को हम देंगे आवश्यक परिस्थितियां और आवश्यक परिस्थिति देकर उसमें भ्रूण का विकास करेंगे जिससे वो बड़ा होकर बन सके चूजा, और इस क्रिया को हम बोलते हैं हेचिंग। और हेचिंग जहां पर होती है उस फार्म को बोला जाता है हेचरी फार्म। ठीक है, और इस हेचरी फार्म से हम ले सकते हैं एक दिन का चूजा, या एक दिन के चूजे को बोला जाता है डेवर। ठीक, और ये एक दिन का चूजा हमको प्राप्त होगा 21 दिन में, मतलब कि अंडे से चूजा निकलने में समय लगता है 21 दिन। तो
तो ये है तीन तरह के फार्म, एक लेयर फार्म, एक ब्रॉयलर फार्म और एक हेचरी फार्म। लेयर फार्म पर अंडा उत्पादन का काम, ब्रॉयलर फार्म पर मांस उत्पादन का काम, हेचरी फार्म पर हेचिंग या चूजे प्राप्त करने का काम या अंडे से चूजे प्राप्त करने का काम। लेयर फार्म पर लेयर को पाला जाता है या अंडा देने वाली मुर्गी, लेयर मांस देने वाली ब्रॉयलर। ठीक, अगली चीज है मुर्गी पालन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन की तीन बड़ी समस्या है, सबसे पहली समस्या है आहार, दूसरी बाजार, तीसरी बीमारी। आहार अगर देखें तो इसको मुर्गी पालन की सबसे बड़ी समस्या कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस आहार पर सबसे ज्यादा खर्च आता है। एक मुर्गी व्यवसाय में देखें तो सर्वाधिक खर्च आहार पर जाता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खर्च जाता है, दूसरा इस आहार की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला है मुर्गी पालन की सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या बाजार या मार्केट। बाजार या मार्केट की जरूरत हमको पड़ेगी मांस और अंडा बेचने के लिए। ठीक है, अब मांस में अगर देखें तो मांस उत्पादक का काम है ब्रॉयलर का। ठीक है, और ब्रॉयलर को हमने कहा है कि 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर बाजार पर बेच देना चाहिए। मतलब जब ब्रॉयलर इस उम्र का हो जाए तब उसको बाजार मिलना चाहिए। अगर इस उम्र पर उसको बाजार नहीं मिला तो उसकी मीट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, इस उम्र पर बाजार मिलना ही चाहिए, और इसीलिए ये जो बाजार है ये ब्रॉयलर फार्म की सबसे बड़ी समस्या। फिर है बीमारी या डिसीज। बीमारी या डिसीज देखें तो ये सबसे बड़ी समस्या है चूजा घर या ब्रूडर हाउस। चूजा घर मतलब जिसके अंदर चूजे रहेंगे, और बीमारी की समस्या ज्यादा आती है चूजों में, इसलिए चूजा घर या ब्रूडर घर की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। फिर आगे चले, अगला है अंडे की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एग। अंडा आपने देखा ही है, आपने कभी हाथ में भी लिया होगा। ठीक है, तो जब हम अंडे को हाथ में लेते हैं तो बाहर से हमको वो कठोर लगता है, तो बाहर जो सफेद रंग का कठोर भाग है उस कठोर भाग को बोला जाता है अंड कवच या कवच, एग शेल या शेल। और यह है अंड कवच या एग शेल कुल अंडे के बाहर का 11% होता है, तो बाहरी कवर होता है अंड कवच। और ये अंड कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो 95% होता है। फिर इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर एक हमको पतली पन्नी जैसी संरचना मिलती है, और इस पतली पन्नी जैसी संरचना को बोला जाता है कवक झिल्ली या झिल्ली या शेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन, और यह कुल अंडे के बाहर का 1% होता है। फिर इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर हमको फिर एक सफेद रंग का पोर्शन दिखाई देता है, इस सफेद रंग के पोर्शन को बोला जाता है श्वेतक या सफेदी, एल्बुमिन या एग वाइट। और ये एग वाइट कुल अंडे के बाहर का 56% होता है, मतलब अंडे के अंदर 50% से भी ज्यादा भाग श्वेतक या सफेदी का है। इसका रंग जैसे हमने कहा है सफेद रंग होता है। ठीक, और यह श्वेतक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, इसके अंदर प्रोटीन देखें तो लगभग 10% इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होती है। फिर आगे चले, फिर अंदर इसके जाए तो अंदर एक हमको गेंद के समान गोल गोल पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, इस संरचना को बोला जाता है पीतक या योक, और यह पीतक या योक कुल अंडे का 32% होता है। इसका रंग जैसे हमने कहा है पीला रंग होता है, और यह प्रोटीन व वसा का अच्छा स्रोत है, इसके अंदर प्रोटीन देखें तो 16.5% और वसा देखें तो 31.7% होती है। ठीक, और इसी कारण इसको अंडे का सर्वाधिक पौष्टिक भाग बोला जाता है, मोस्ट न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ एग, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन वसा साथ ही साथ देखें तो खनिज भी अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक, अगली चीज ये जो कवक झिल्ली है, इस झिल्ली का अगर देखें तो दो परत होती है, एक बाह्य परत होती है एक आंतरिक परत होती है, और इस बाह्य और आंतरिक परत के बीच में इस अंडे के चौड़े भाग पर एक गैप बनता है, इस गैप को बोला जाता है वायुकोश या एयर सेल या एयर सेक। ठीक, जो कि जब चूजा बड़ा होता है जब उसको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए उस समय वह इस झिल्ली को तोड़कर यहां से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। ठीक, तो ये हो गए अंडे के कुछ प्रमुख भाग, इनमें देखे तो 4 प्रमुख है, अंड कवच 11%, कवक झिल्ली 1%, श्वेतक सफेदी 56% और पीता की आयो 32%। फिर आगे चले अंडे का पोषक मान, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग। अंडे के अंदर देखें 5 चीजें हैं, नमी, प्रोटीन, वसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट।
इसमें नमी देखें 73-74%, प्रोटीन 12.5-13.5% या एवरेज देखें तो 13%, वसा देखें 10.5-11.5% या एवरेज देखें तो 11%, खनिज देखें 1%, कार्बोहाइड्रेट 0.9%। ठीक, प्रोटीन अगर देखें तो पोषक तत्वों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, लगभग 13%। ठीक, एक अंडे का अगर औसत भार देखें तो 56-58 ग्राम या 57 ग्राम होता है। ठीक है, और इस एक अंडे के अंदर हम प्रोटीन देखें तो लगभग 7 ग्राम होता है। जैसे हमने कहा अंडे के अंदर प्रोटीन का प्रतिशत 13% है, प्रतिशत का मतलब 100 में, तो अगर 100 ग्राम का अंडा है तो उसमें प्रोटीन होगी 13 ग्राम, लेकिन यहाँ पर अंडे का भार 57 ग्राम मतलब 100 से कम है तो प्रोटीन 13 ग्राम से कम होगी। तो अंडे 50 अगर ग्राम का अंडा होता तो 6.5 ग्राम प्रोटीन होता, 100 ग्राम के अंडे में 13 ग्राम तो 50 ग्राम के अंडे में 6.5, लेकिन ये 50 से ज्यादा है थोड़ा, इसलिए एक अंडे में प्रोटीन का अगर देखें तो प्रोटीन होती है 7 ग्राम और वसा उसके अंदर होती है 6 ग्राम। ठीक है, इस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी श्वेतक के अंदर 4 ग्राम होती है और पीतक के अंदर 3 ग्राम होती है, 4 ग्राम श्वेतक और 3 ग्राम पीतक, ऐसे टोटल अंडे के अंदर प्रोटीन है 7 ग्राम। ठीक, तो ये हो गया अंडे का पोषक मान। अगर प्रोटीन की हम बात करें तो जैसे हम दूध की प्रोटीन की बात करें तो अगर हमने 100 ग्राम दूध पिया तो 100 ग्राम दूध से हमको प्रोटीन मिलती है 3.5 ग्राम, लेकिन अगर 100 ग्राम अंडा खाया हमने तो हमको प्रोटीन मिलेगी 13 ग्राम, मतलब कि दूध की तुलना में 3-4 गुना ज्यादा प्रोटीन इस अंडे के अंदर होती है। ठीक है, और इसीलिए इस अंडे को प्रोटीन का सस्ता स्रोत कहा गया क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा। आगे है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस जनन तंत्र में देखें तो इसका प्रमुख सहायक भाग है अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जिसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो ये होती 70-75 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अगर देखें तो पांच भाग में एक है इन्फंडिबुलम, एक मेगनम, स्टमस, गर्भाशय और योनि। ठीक, इस योनि के माध्यम से शुक्राणु अंदर जाएंगे और ये शुक्राणु पहुंचते हैं इन्फंडिबुलम में, क्यों, क्योंकि यहां पर उसको मिलेगा अंडाणु। ठीक है, तो यहां पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलने की क्रिया को बोला जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन देखें तो ये होता है इनफंडिबुलम में, और इनफंडिबुलम का शेप अगर देखें तो ये कीप या फनल के समान है, इसलिए इसको बोल दिया गया कीप या फनल। तो अगर पूछे निषेचन कहाँ होता है तो इनफंडिबुलम में या कीप में या फिर फनल। अब यहां से ये युग्मक आगे बढ़ेगा और आगे ये जाता है मेगनम। ठीक, मेगनम में अगर देखें तो इस युग्मक के ऊपर आता है श्वेतक। ठीक, या जिसको हम बोले एल्बुमिन, मतलब श्वेतक का स्राव या सेक्रेशन होता है मेगनम से। फिर ये आगे जाएगा और आगे ये पहुंचता है इस्थमस में। अब इस्थमस वाले भाग में इसके ऊपर आती है झिल्ली। ठीक, फिर आगे ये गया गर्भाशय और गर्भाशय के अंदर इसके ऊपर आता है कवच। ठीक, तो सबसे पहले एक तरह से देखें तो ये युग्मक को हम बोल सकते हैं एक तरह से पीतक। तो पीतक के ऊपर आया श्वेतक, श्वेतक के ऊपर झिल्ली और झिल्ली के ऊपर कवच। अगर एक अंडे की संरचना देखें तो अंडे के अंदर सबसे अंदर होता है पीतक, पीतक के ऊपर कवर है श्वेतक का, श्वेतक के ऊपर कवर है झिल्ली का और झिल्ली के ऊपर कवर है कवच का या शेल का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले पीतक आता है, पीतक के ऊपर श्वेतक आएगा, श्वेतक के ऊपर झिल्ली आएगी और झिल्ली के ऊपर आएगा कवच। अब यहां पर उसमें कवच आ गया। अब ये योनि देखें तो इस अंडे को, एक तरह से अंडा तैयार हो गया, इस अंडे को मार्ग प्रदान करती है और ये अंडा अवस्कर के माध्यम से आ जाता है बाहर। अब जब अंडा बाहर आया तो अंडा अब हमको प्राप्त होगा निषेचित, क्यों, क्योंकि यहाँ पर निषेचन हुआ है, तो अंडा हमको प्राप्त होगा निषेचित या फर्टाइल। लेकिन अंडा अनिषेचित भी प्राप्त होता है। अनिषेचित कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर निषेचन होगा, अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर ये भाग अकेले ही आगे बढ़ेगा,
जब आगे जाएगा तो मेघनाम से इसके ऊपर श्वेतक आ जाएगा, स्तमस से इसके ऊपर झिल्ली आ जाएगी, गर्भाशय से इसके ऊपर कवच आ जाएगा और इस मार्ग के द्वारा अवस्कर से ये बाहर आ जाएगा, लेकिन अब आएगा ये अनिषेचित। तो अंडा दो तरह का हो गया, एक निषेचित और एक अनिषेचित अंडा। ठीक, निषेचित अंडे से हमको आगे चल के चूजा प्राप्त होगा, लेकिन अनिषेचित अंडे से हमको चूजा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वैज्ञानिक निषेचित अंडे को मांसाहारी मानते हैं, जबकि अनिषेचित अंडे को शाकाहारी माना जाता है। अब इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया निषेचित अंडा। ठीक, अब इस अंडे से हम प्राप्त करेंगे चूजा, और इस क्रिया को बोला जाता है अंडज उत्पत्ति या हैचिंग। अब अंडज उत्पत्ति या हैचिंग देखें तो अंडे से चूजा प्राप्त करने की क्रिया को बोला जाता है अंडज उत्पत्ति या हैचिंग। पर अंडे से चूजा प्राप्त कब होगा, जब उसको दिया जाएगा उपयुक्त वातावरण, फेवरेबल कंडीशंस। ठीक, फेवरेबल कंडीशन में देखें दो चीजें हैं, एक ताप और एक आर्द्रता। ये दोनों चीजें इसको देखकर इस अंडे के अंदर हम करेंगे भ्रूण का विकास, जिससे ये बड़ा होके बन सके चूजा। और इस क्रिया को बोला जाता है उद्भवन या सहना या इंक्यूबेशन। ठीक, और जब मुर्गी ने अंडा दिया उस समय से लेकर चूजा प्राप्त करने का समय कहलाता है उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड। और यह उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड मुर्गी के अंदर 21 दिन का होता है, मतलब कि जब मुर्गी अंडा देगी उससे 21 दिन बाद हमको प्राप्त होगा चूजा। आगे है अंडज उत्पत्ति की विधियां, मेथड्स ऑफ हैचिंग। दो विधियां हैं, एक प्राकृतिक विधि है और एक कृत्रिम विधि है। प्राकृतिक विधि को बोला जाता है कुड़कमा या नेचुरल मेथड, कृत्रिम विधि को बोला जाता है आर्टिफिशियल मेथड। प्राकृतिक विधि में अंडज उत्पत्ति या हैचिंग या इंक्यूबेशन या सहने का या उद्भवन का काम होता है मुर्गी के द्वारा, मतलब कि यह मुर्गी अंडों के ऊपर बैठकर उसको आवश्यक परिस्थितियां देगी, मतलब सही ताप और आर्द्रता देगी, जिससे कि उसके अंदर भ्रूण का विकास होगा और वह बड़ा होकर बनेगा चूजा। तो ये जो काम है ये सारा काम मुर्गी के द्वारा होता है, और इसीलिए इसको बोला है प्राकृतिक विधि। जिस मुर्गी या जो मुर्गी अंडे सहने का काम करती है उस मुर्गी को बोला जाता है कुड़क मुर्गी या ब्रूडी हेन। और कुड़क मुर्गी या ब्रूडी हेन बनने की सबसे अच्छी काबिलियत देसी मुर्गियों में होती है, इंडिजीनियस ब्रीड्स में होती है। देसी मुर्गियां अंडे सेने के लिए सर्वोत्तम है। इन देसी में भी अगर बात करें तो सबसे अच्छी होती है घागस, और घागस देखें तो ये कर्नाटक। तो ये है पहली प्राकृतिक विधि। दूसरी है कृत्रिम विधि, जिसमें काम होगा मशीन से, और अंडे सेने वाली मशीनों को कहा जाता है इंक्यूबेटर। तो जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं, जो अंडों को उपलब्ध करवाना है, वो सारी उपलब्ध करवाएगा इंक्यूबेटर। ठीक, तो यह हो गई अंडज उत्पत्ति की दो विधियां, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम विधि। अब ये जो इंक्यूबेटर है, इस इंक्यूबेटर या ये इंक्यूबेटर कैसे काम करता है, तो इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर चार महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक ताप, दूसरा आर्द्रता, तीसरा संवातन या वेंटिलेशन, और चौथा इसको अंडे को पलटने का। ठीक, सबसे पहला इसके अंदर देखें तो ताप या टेम्परेचर। ताप या टेम्परेचर देखें तो यह अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, मतलब अंडे से चूजा प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कारक है ताप या टेम्परेचर। ये ताप अगर इंक्यूबेटर के अंदर देखें तो ये हम रखते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये ताप अलग अलग सप्ताह में अंडे को अलग अलग चाहिए। पहले सप्ताह में अंडे को 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दिया जाता है, दूसरे सप्ताह में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरे सप्ताह में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इंक्यूबेटर के अंदर पहले में 99, दूसरे में 100, और तीसरे सप्ताह में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप रखा जाएगा। अब इसमें देखें तो हम धीरे धीरे ताप को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बढ़ाने का काम होता है 1 से 18 दिन की उम्र पर। 1 से 18 दिन की अवधि में हम तापक्रम को बढ़ाते हैं। अब बचे आखिरी के 3 दिन, 19 से लेकर 21 दिन, इन 3 दिनों में तापक्रम को घटाया जाता है। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ये है दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो कि अंडज उत्पत्ति या हैचिंग को प्रभावित करता है। इंक्यूबेटर के अंदर आर्द्रता हमको मेंटेन करनी चाहिए 60 से 70%। इसमें भी देखें तो शुरू के 18 दिन 60% और आखिरी के 3 दिन 70%, मतलब शुरू में हमने आर्द्रता कम रखी और आखिरी के 3 दिन हमने आर्द्रता ज्यादा रखी। ठीक, तापक्रम में इसका उल्टा था, शुरू के 18 दिन ताप आर्द्र
सॉरी शुरू के 18 दिन ताप ज्यादा और आखिरी के 3 दिन ताप कम, लेकिन आदतन शुरू के 18 दिन कम और आखिरी के 3 दिन ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा दोनों में संबंध उल्टा है कि जब भी ताप ज्यादा होगा आद्रता कम रखना है, जब भी ताप कम होगा आद्रता ज्यादा रखना। फिर तीसरा कारक है संवातन या वेंटिलेशन। इसमें दो चीजें हमारे पास में, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन प्राणवायु मतलब प्राण देने वाली, और यह है प्राण हरने वाली। प्राण देने वाली 21% और हरने वाली मात्र 0.5%, ठीक है। मतलब इंक्यूबेटर के अंदर 21% ऑक्सीजन होना चाहिए और 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा यह प्राण हरने वाली है, इसलिए इसकी मात्रा कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा हुई तो अंडज उत्पत्ति कम होगी, अगर ये बढ़कर 5% हो गई तो अंडज उत्पत्ति या हेचिंग 0% हो जाएगी। इसलिए कभी भी 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगला है अंडों को पलटना। अंडों को पलटने का जो मकसद है वो है अंडे का या भ्रूण का संपूर्ण विकास। अंडा या भ्रूण संपूर्ण विकसित हो इसके लिए हम उसको पलटेंगे। पलटने का काम दो तरह से होता है, एक खुद अंडे को पलटा जाता है या फिर ट्रे। अगर अंडे को पलट रहे हैं तो 90 डिग्री के कोण से, और अगर ट्रे को पलट रहे हैं तो 45 डिग्री के कोण से। अंडे को 90 डिग्री, जैसे ये अंडा रखा है, इसको पहले 90 इधर, ये आ गया, वापस 90 इधर, ये आ गया, फिर 90 इधर, ये आ गया, फिर 90 इधर, ये आ गया, मतलब लगभग 4 बार। तो एक दिन में अंडे को लगभग 3 से 4 बार पलटना चाहिए। अगर ट्रे को घुमा रहे हैं तो ट्रे को 45 डिग्री के कोण से घुमा रहे हैं। 45 डिग्री, जैसे ये ट्रे रखी है, ठीक है, पहले 45 इधर, ये आ गया, फिर 45 इधर, ये वापस हो गया, फिर 45 इधर, ये आ गया, फिर 45 इधर, ये आ गया, ठीक है। तो ट्रे को हमने घुमाया 45 के कोण से। ट्रे को ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के कोण से नहीं घुमाया, क्योंकि ये ट्रे है, इसको हमने 45 घुमाया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 90 घुमाया तो सारे के सारे अंडे गिर जाएंगे, ठीक है। तो ट्रे हमेशा 45 से घुमाएगी और अंडा हमेशा 90 डिग्री के कोण से। तो इन 4 चीजों का ध्यान रखना हमको इंक्यूबेटर के अंदर, जब भी इसका उपयोग करें ये 4 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक। फिर आगे है, अब हमको 21 दिन के बाद में इस इंक्यूबेटर से चूजा प्राप्त हो जाए, ठीक। अब उस चूजे का हमको करना है लालन पालन, और चूजे का लालन पालन कहलाता है ब्रूडिंग। ये ब्रूडिंग अगर देखें तो ये चलती है 0 से 4 सप्ताह तक, या कभी कभार 0 से 6 सप्ताह। अभी जो ब्रूडिंग है ये होगी ब्रूडर घर या ब्रूडर हाउस के अंदर, और इसमें हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक ताप और एक आर्द्रता। ताप इसमें देखें तो इसमें भी अलग अलग सप्ताह में तापक्रम अलग अलग रखा जाता है। पहले सप्ताह में तापक्रम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में तापक्रम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हर एक सप्ताह में हमको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप कम करते जाना, और इस प्रकार 6वें सप्ताह में देखें तो हमको ताप मिलेगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या 21 डिग्री सेल्सियस। मतलब आखिरी सप्ताह में तापक्रम रखना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, ये हमको मेंटेन करना 65 से 75%। ध्यान रखिएगा ह्यूमिडिटी ब्रूडर घर के अंदर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो इसके कारण चूजों को आगे चल के निमोनिया हो सकता है। तो ये है चूजा पालन या ब्रूडिंग। कैनाबिलिज्म में अगर देखें तो ये है मुर्गियों की एक खराब आदत, यानी बोले बैड हैबिट। अब खराब आदत या बैड हैबिट कैसी, तो मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचती और अंडे फोड़ती। तो पंख नोचने और अंडे फोड़ने की ये जो खराब आदत है इसको बोला जाता है कैनाबिलिज्म। अब ये खराब आदत आई क्यों, तो ये खराब आदत आने के 2 कारण हैं। एक तो आहार के अंदर नमक की कमी है और दूसरा जगह की कमी है। इन 2 कारणों के कारण उनके अंदर 2 बुरी आदत आ गई है, जिसको बोला जाता है कैनाबिलिज्म। अब इसको रोके कैसे है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक है कि हम आहार दें संतुलित। संतुलित मतलब कि जैसे हमने बोला आहार में नमक की कमी हो गई, मतलब आहार है असंतुलित, तो उस आहार को हमको संतुलित करना है, ठीक। मतलब आहार के अंदर हम सम्मिलित कर दें नमक, जिससे आहार संतुलित हो जाएगा। दूसरा, हम मुर्गी की चोंच काट दें। चोंच काटने की क्रिया को कहा जाता है डीबीकिंग, ठीक है। और ये चोंच काटना या डीबीकिंग कैनाबिलिज्म को रोकने का परमानेंट इलाज है। अगर कैनाबिलिज्म को पूरी तरह खत्म करना है तो हम मुर्गियों की चोंच को काट दें। चोंच काटने का मतलब है कि उसकी जो ऊपरी चोंच होती है उसको 1/3 भाग काट देते हैं, और इस क्रिया को बोला जाता है डीबीकिंग, ठीक। तो यह है पहले विशेष बिंदु कैनाबिलिज्म। अगला विशेष बिंदु है भ्रूण परीक्षण या एम्ब्रियो टेस्टिंग। भ्रूण परीक्षण के द्वारा हम पता लगाते हैं कि अंडा निषेचित है या अनिषेचित है।
तो निषेचित या अनिषेचित अंडा है इसका पता लगाने को कहा जाता है भ्रूण परीक्षण। और यह पता लगाया जाता है एक परीक्षण या टेस्ट के द्वारा जिसका नाम है कैंडलिंग परीक्षण या कैंडलिंग टेस्ट। कैंडलिंग परीक्षण या कैंडलिंग टेस्ट में अगर देखें तो इसमें हम देखते हैं अंडे के आंतरिक गुणों को, मतलब इस कैंडलिंग परीक्षण में अंडे के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक गुण जैसे सबसे ऊपर देखें तो सबसे ऊपर कवच होता है, उसके अंदर जाएं तो झिल्ली, झिल्ली के अंदर श्वेतक, श्वेतक के अंदर पीतक, वायुकोश, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है इस कैंडलिंग परीक्षण के अंदर। अब इसके अंदर देखें तो कैंडल आप समझते हैं, कैंडल का मतलब है मोमबत्ती, यानी बोल सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत या फिर सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम किसी प्रकाश के स्रोत के सामने अंडे को रखते हैं और अंडे को रखने के बाद में अगर उस अंडे के अंदर हमको काला धब्बा दिखाई दे तो अंडा निषेचित या फर्टाइल है, और अगर अंडा हमको साफ दिखाई दे तो फिर वो अनिषेचित या इनफर्टाइल है। काला धब्बा अगर उसके अंदर है मतलब उसमें भ्रूण है, और भ्रूण है तो अंडा निषेचित होगा, और अगर साफ दिखाई दे रहा है मतलब उसके अंदर भ्रूण नहीं है, और भ्रूण नहीं है तो अंडा अनिषेचित होगा। तो ये वो है कैंडलिंग परीक्षण, और ये दो बार हम करते हैं। पहला कैंडलिंग परीक्षण हम करते हैं 5 से 7 दिन की उम्र पर, और दूसरा हम कैंडलिंग परीक्षण करेंगे 14 दिन पर। तीसरा हमारे पास में विशेष बिंदु है खस्सीकरण, खच्चीकरण या कैपोनाइजेशन। खस्सीकरण, खच्चीकरण या कैपोनाइजेशन क्या चीज है? तो ये है एक तरह से बधियाकरण या कास्टेशन। जब बधियाकरण या कास्टेशन मुर्गे के अंदर किया जाता है तब इसको बोला जाता है खस्सीकरण, खच्चीकरण या कैपोनाइजेशन। अब बधियाकरण क्या चीज है? तो बधियाकरण है वृषण या टेस्टिस को निष्क्रिय करना, इनएक्टिवेट करने की क्रिया, इसको कहा जाता है बधियाकरण या कास्टेशन। क्यों कर रहे हैं? तो ये हम कर रहे हैं मांस की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। गुणवत्ता मतलब मांस को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुगंधित बनाने के लिए उसका हम करेंगे बधियाकरण। कब करना है? तो ये काम हम करते हैं 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर। जब चूजे की उम्र 8 से 10 सप्ताह हो तब हम कर देंगे उसका बधियाकरण। बधियाकरण हम कर क्यों रहे हैं? मांस की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मांस हमको किससे प्राप्त होता है? ब्रॉयलर से प्राप्त होता है, ऐसा हमने इस वीडियो में पहले देखा है। ठीक है, अब ब्रॉयलर को अगर देखें तो हमने कहा है कि 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर बेच देना चाहिए। ठीक है, अगर इस उम्र पर उसको बेच दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा उसकी उम्र हुई तो उसकी मांस की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो या तो इस उम्र पर बेच दें या फिर इस उम्र पर उसका बधियाकरण कर दें जिससे मांस स्वादिष्ट और सुगंधित बना रहे, इसलिए इसकी उत्तम उम्र है 8 से 10 सप्ताह। आगे है बधियाकरण की विधियां। तो बधियाकरण हम दो तरह से कर सकते हैं, कैपोनाइजेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑपरेशन या सर्जिकल और दूसरा रासायनिक या केमिकल। ऑपरेशन विधि के अंदर हम ये जो वृषण है ये हमको मिलेंगे अवस्कर में, तो अवस्कर में से वृषण को चाकू की सहायता से काट के निकाल दिया जाता है और इसको बोला जाता है ऑपरेशन या सर्जिकल मेथड। ठीक, अब वृषण को अगर हमने काट के निकाल दिया तो फिर उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है, और इसीलिए इसको बोला जाता है पूर्ण बधियाकरण या कंप्लीट कास्टेशन। ठीक, और जब हम पूर्ण बधियाकरण कर दें तब हमको जो नर मुर्गा प्राप्त होता है उसको बोला जाता है खस्सी, खच्ची या केपन। ठीक, तो केपन या खस्सी या खच्ची क्या चीज है? तो यह है पूर्ण बधिया मुर्गा। दूसरी है रासायनिक विधि, और इसमें हम उपयोग करते हैं रसायन का जिसका नाम है DES, डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल, डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल। ये जो रसायन है यह है वृषण को निष्क्रिय करता है, जब तक इसका प्रभाव रहेगा तब तक वृषण निष्क्रिय रहेगा, जैसे इसका प्रभाव खत्म होगा वापस वृषण सक्रिय हो जाएंगे। मतलब इसमें अगर बधियाकरण देखें तो वो होता है अपूर्ण बधियाकरण। ठीक, मतलब इसमें एक तरह से देखें तो उम्मीद की किरण बाकी है, और अपूर्ण बधियाकरण से जो हमको मुर्गा प्राप्त होता है उसको बोला जाता है सिलिप्स। तो सिलिप्स है अपूर्ण बधिया मुर्गा, और केपन है पूर्ण बधिया मुर्गा। तो यह तीसरा विशेष बिंदु खस्सीकरण, खच्चीकरण या कैपोनाइजेशन। ऐसे ये तीन विशेष बिंदु हो गए, कैनिबलिज्म, भ्रूण परीक्षण, खस्सीकरण, खच्चीकरण या कैपोनाइजेशन। इसके अलावा कुछ और टर्म है जिनका उपयोग मुर्गी पालन के अंदर होता है। इसमें देखें सबसे पहले तो 0 से लेकर 8 सप्ताह तक के जो नन्हे मुन्ने होते हैं उनको बोला जाता है चूजा या चिक्स। अगर कोई हमें चिक्स बोले तो फिर उम्र बताने की जरूरत नहीं है 0 से 8 सप्ताह, या बोल दे 0 से 8 सप्ताह तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो क्या चीज है, वो होगा चूजा या चिक्स। अब हम बात करें अंडा उत्पादन में, तो अंडा उत्पादन में 0 से 8 सप्ताह तक के चूजों को बोला जाता है स्टार्टर। ठीक है, 9 से लेकर 20 सप्ताह तक के चूजों को ग्रोवर कहा जाता है, और 20 सप्ताह से ऊपर के चूजों को लेयर कहा जाता है। 0 से 8 स्टार्टर, 9 से 20 ग्रोवर, और 20 से ऊपर लेयर।
लेयर देखें तो ये अंडा उत्पादक मुर्गी है, एक प्रोड्यूसिंग हैन होती है। ठीक, मतलब अंडा उत्पादन का काम मुख्य रूप से देखें तो लेयर का होता है। अब इसमें अंडा उत्पादन की अगर बात करें तो मुर्गी या लेयर अंडा उत्पादन शुरू करती है 24 सप्ताह या 6 मास, ठीक है, और यह चलता है लगभग 72 सप्ताह या डेढ़ वर्ष तक। ठीक, तो 6 मास से लेकर डेढ़ वर्ष तक मुर्गी अंडा देती है। ये जो अंडा उत्पादन का काम है इसके अंदर मुर्गी में बहुत सारे साइकिल आते हैं। जो पहला साइकिल है वह चलता है 6 मास से डेढ़ वर्ष तक, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जो पहला साइकिल है उसी में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, और ये साइकिल अगर देखें तो ये चलता है लगभग एक या एक से डेढ़ वर्ष, 6 मास से लेकर डेढ़ वर्ष मतलब एक वर्ष या फिर एक से डेढ़ वर्ष। फिर आगे चले मांस उत्पादन। मांस उत्पादन में अगर देखें तो 0 से लेकर 8 सप्ताह तक के चूजे कहलाते हैं ब्रॉयलर। ठीक, इसमें भी देखें तो 0 से 4 वाले ब्रॉयलर स्टार्टर और 5 से 8 ब्रॉयलर फिनिशर। ठीक, 0 से 8 ब्रॉयलर, उसमें भी 0 से 4 ब्रॉयलर स्टार्टर और 5 से 8 ब्रॉयलर फिनिशर। फिर आगे देखें, 1 वर्ष से कम उम्र के नर को या मेल को कहा जाता है कॉकरेल, और 1 वर्ष से ज्यादा उम्र के नर या मेल को कहा जाता है कॉक। अब अगर कोई बोले कि कॉकरेल क्या चीज है तो 1 वर्ष से कम उम्र का नर, और अगर पूछे कॉक क्या चीज है तो 1 वर्ष से ज्यादा उम्र का। तो यह कुछ विशेष चीजें जो का उपयोग मुर्गी पालन में होता है। फिर आगे चलें, आगे है फिर कलंगी या कॉम। कलंगी या कॉम अगर देखें तो एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि यह मुर्गी के सर का ताज है। ठीक, और ये ताज अगर देखें तो ये 8 प्रकार का होता है। मतलब कलंगी या कॉम 8 टाइप्स की है, पर इन 8 प्रकार में देखें तो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रकार 3 है। एक है मटर या पी कॉम, एक गुलाब या रोज कॉम, एक इकरी या सिंगल कॉम। ठीक, ये मटर के दाने के समान होती है इसलिए इसको मटर या पीकॉम कहा गया है। इस पे आप देखें तो ये मुर्गी के सर के ऊपर मटर के दानों के समान संरचना। ठीक, गुलाब या रोज कॉम इसलिए कहा क्योंकि ये गुलाब के समान दिखाई दे रही है, कुछ खिली हुई। और इकर या सिंगल, ये होती है सिंगल, इसलिए इसको बोल दिया गया इकर या सिंगल। सिंगल कैसे, तो यहां अगर देखें तो हर एक दाना अलग है, यहां देखें तो हर एक पंखुड़ी अलग होती है, लेकिन यहां देखें तो ये पूरी की पूरी सिंगल है, एक है, इसलिए इसको बोला जाता है इकर या सिंगल। ठीक, तो ये हो गई 3 तरह की, मटर, गुलाब और इकरी। मटर अगर देखें तो अधिकतर देसी नस्लों में मिलती है। देसी नस्लों में अधिकतर अगर कॉम की बात करें तो वो होती है पी कॉम या मटर। बाकी गुलाब और इकरी या रोज या सिंगल ये मिलती है विदेशी नस्लों में। तो अधिकतर विदेशी नस्लों में गुलाब और इकरी, और अधिकतर देसी नस्लों में मटर या पी कॉम। फिर बात करें मुर्गी में रंग की, या रंग हम देख रहे हैं त्वचा का रंग। ठीक, तो मुर्गी में 13 प्रकार के त्वचा के रंग होते हैं, पर इन 13 प्रकार में अगर देखें तो 2 प्रकार ज्यादा प्रचलित, मतलब अधिकतर हमको 2 प्रकार ज्यादा मिलते हैं, एक सफेद या व्हाइट और दूसरा पीला या येलो। ठीक, होते 13 है लेकिन ज्यादा 2 मिलते हैं, सफेद और पीला। तो ये हो गई कलंगी और ये हो गया मुर्गी की त्वचा के रंग। तो इस प्रकार ये हो गया मुर्गी पालन का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग।